नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिजिटेक्स के बारे में। क्या ये आईसीओ है, क्यों मार्केट में आए हैं, क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, क्या ये है स्कैम तो नहीं है, लेजिट है, हर चीज़ जो हो सकती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे से कुछ हमारे यूज़र्स हैं, उनने पूछा था मुझसे कि डिजिटेक्स के बारे में देख लो, एक बार पढ़ लो, समझ लो, मतलब क्या चीज़ है उसके बारे में बताओ ज़रा हमको भी। तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं, इसके बारे में बताते हैं आपको। तो यहाँ पर कोई एक लाइन लिखी है इन लोगों ने, देखो ऐसा हो सकता है कि ये रॉ वीडियो हो। रॉ का मतलब कि कहीं पे मैं ऐसा खांस रहा हूँ, कहीं पे कुछ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, हो सकता है लंबी वीडियो हो जाए। जिनको वाकई में इन्फॉर्मेशन गेट करनी है ना डिजिटेक्स के रिगार्डिंग, वो तो देखना, जिनको नहीं करनी है वो टाइम से निकल लो और अपना जो काम करना है वो करो, खाली टाइम खोटी करके कुछ नहीं होता है, अपना भी और दूसरे का भी। आगे देखो, इनने लिखा है कि कमीशन फ्री बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग। इसी लाइन में पूरा डिजिटेक्स का मतलब छुपा है। कमीशन फ्री का मतलब कि कमीशन नहीं पड़ेगा आप लोग को, ये तो समझ में आ जाता है। दूसरी लाइन लिखी है बिटकॉइन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो ये बेसिकली बहुत सारे लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग, देखो ट्रेडिंग तो अलग चीज़ होती है, एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग और वो भी बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो समझ रहे हो, जैसे मान लेते हैं कि कई सारे लोग ऐसे ही कहते हैं कि कमीशन फ्री होगा, कितना बढ़िया हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, कमीशन फ्री है, कोई कमीशन नहीं पड़ेगा हम लोग को, डिजिटेक्स टोकन की रिक्वायरमेंट रही केवल, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कमीशन फ्री तो लिखा है लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो देखनी है तुम लोगों ने। बाकी लिखा है कि बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर का मतलब क्या होता है ना, मैंने एक आर्टिकल देखा था बहुत बढ़िया, वहाँ से आप लोग को बताता हूँ। इसके बारे में पता होना चाहिए ना, जब भी तुम डिजिटेक्स का देख रहे हो और ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइन फ्यूचर्स ट्रेडिंग, तो उसके बारे में थोड़ा वो पता भी होना चाहिए कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है। बेसिकली फ्यूचर क्या होता है, सबसे पहले फ्यूचर को समझो कि यहाँ पर लिखा गया है फ्यूचर आर एन एग्रीमेंट। इसका मतलब कि फ्यूचर एक अग्रीमेंट होता है टू बाई और सेल एन एसेट, किसी भी एसेट को बाई और सेल करने के लिए, जब आप एक ऑन ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट एट ए स्पेसिफिक प्राइस, आप कोई एक ऐसा एग्रीमेंट करो जिसमें आप या बाई करोगे या सेल करोगे किसी पर्टिकुलर डेट में, आने वाले समय में, समय की कोई एक पर्टिकुलर डेट में किसी पर्टिकुलर प्राइस में। अगर आपका कोई ऐसा अग्रीमेंट हो कि आप उस दिन उस तारीख में आप कोई अपने एसेट को, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, लाइट कॉइन हो, कुछ भी हो, उसको आप बाई और सेल करोगे उस प्राइस पे उस दिन, तो उस तरीके से एक अग्रीमेंट बनता है, उसे फ्यूचर अग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है, फ्यूचर कहते हैं उसे। और यहाँ पर कोई लिखा है हाउ डू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वर्क, तो इन लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि एग्जांपल के लिए इन लोगों ने समझाया, आप भी समझ लेना एक बार, कि मान लेते हैं कि ये यहाँ पर $2 लिखा है, अभी मैं कन्वर्जन के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, मैं ₹2 मानता हूँ इसको, कि एक गैलन तेल की कीमत ₹2 है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीने में इस जो एक गैलन तेल की कीमत ₹2 है वो बढ़ जाएगी, तो आप क्या करते हो, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हो, मतलब आप क्या करते हो, एक बाई करते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने वाला, उसमें क्या होगा कि 1000 गैलन की कीमत, जो आज उसका प्राइस चल रहा है ₹2, आप उस हिसाब से उसे परचेज करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, बाई कर लेते हो, तो उसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि 3 महीने बाद अगर उस गैलन की कीमत बढ़ के ₹3 हो जाए, तो आपने बेसिकली क्या किया, अपने ₹1000 बचा लिए। ध्यान से समझना, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है, और ये एक बहुत बेसिक बात है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं एक एग्जांपल के लिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे समझ में आ जाएगा बहुत लोगों को। ये लोग क्या कह रहे हैं कि ₹2 पर गैलन चल रही है अभी कीमत तेल की, और आपको अगर ऐसा लगता हो कि आने वाले समय पर वो जो गैलन है जो आज ₹2 का मिल रहा है वो बढ़ सकता है, तो आप क्या करते हो, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि 1000 गैलन जो आज की कीमत है उस हिसाब से आपको मिलेगी। तो आज क्या कीमत चल रही है ₹2, तो आपको क्या होगा ₹2000 में वो गैलन मिलेंगे 3 महीने के बाद, अगर आपको लगता है कि उसके प्राइस बढ़ेंगे, आपने सोचा ना, हो सकता है वो घट जाए, तो आपको ₹2000 का मिलेगा और उसमें घाटा हो गया, लेकिन अगर बढ़ जाते हैं तो आपने ₹1000 बचा लिए, घटती बढ़ती हो सकती है उसमें, यही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन लोगों ने बताया, और बिटकॉइन फ्यूचर क्या है उसके बारे में भी इन लोगों ने ये समझाया है। अब बिटकॉइन फ्यूचर विल वर्क ऑन एग्जैक्टली द सेम प्रिंसिपल एज फ्यूचर्स ऑन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट्स। जिस तरीके से ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट्स में काम होता है, जिस तरीके से वहाँ पर फ्यूचर काम करता है, उसी तरीके से
बिटकॉइन फ्यूचर पे भी ये काम करता है जिस तरीके से बिटकॉइन फ्यूचर काम करता है। तो बेसिकली थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। तो ये हम तुम जैसे लोगों के लिए, मतलब देखो करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मार्केट की प्रेडिक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए ना, उतना आपको नॉलेज भी तो होना चाहिए कि वो दो आगे आने वाले एक महीने के अंदर वो बढ़ेगा कि घटेगा। कैसे पता चलेगा आपको? ये उन लोग को पता चलता है जो लोग क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्लोजली एनालाइज करते हैं, उनको बहुत चीज़ें पता होती हैं, वो लोग बताते हैं, वो लोग गैम्बल करते हैं इस चीज़ पे कि आगे प्राइस घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, और वहीं से वो लोग नफा मुनाफा सब कुछ कमाते हैं। अभी कोई बंदा अगर सुन रहा होगा, बहुत समझदार होगा, तो अपने तरीके से समझना और जाके दूसरों को बताना, ठीक है? लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई, कमीशन फ्री बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग इस तरीके से। और बिटकॉइन फ्यूचर बेसिकली क्या है ना कि कुछ एक्सचेंज हैं ऐसे बने हैं जो बिटकॉइन फ्यूचर पे काम करते हैं, वहाँ पर ट्रेडिंग होती है उनकी, और वो उसके दाम में गैम्बल करते हैं कि वो आगे बढ़ेगा घटेगा किस तरीके से, वहाँ पर अपना नफा कमाते हैं। बहुत टैलेंटेड बंदे हैं इस तरीके के भी। अब आगे देखो क्या है, यहाँ पर लिखा है कि एक दिन बचा है इसको लॉन्च होने में, ICO को लॉन्च होने में एक दिन 20 घंटा। उसके बाद यहाँ पर तीन कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, पहला लिखा है जीरो ट्रेडिंग फी, दूसरा लिखा है डिसेंट्रलाइज अकाउंट, तीसरा लिखा है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। जीरो ट्रेडिंग फी तो आपको समझ में आ गई होगी, जितने भी एक्सचेंज हैं बाइनेंस बिट्रैक्स पोलोनिक्स चाहे कोई एक्सचेंज हो, सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, सारे के सारे अपने ट्रेडिंग फी काटते हैं। उनका रिवेन्यू मॉडल क्या है? यही तो है, पैसा कहाँ से कमाते हैं एक्सचेंज? जो ट्रांजेक्शन फी आप देते हो, जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हो या बेचते हो तब आपकी ट्रेडिंग फी कटती है, कोइनेक्स के अंदर 0.25 इस तरीके से है कुछ, शायद पता नहीं कितनी है, वैसे ही बाइनेंस के अंदर 0.01 है। उसके अलावा अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रेडिंग फी, उससे वो लोग पैसा कमाते हैं। उतना बड़ा सिस्टम चलाने के लिए कोई टीम भी बैठी होगी जो प्रॉपर तरीके से हर दिन काम करती होगी 24 आवर्स, तो वो सारी चीज़ों में खर्चा आता है। वो खर्चा कहाँ से आएगा? यहीं से तो आएगा। अभी कोई अगर कह दे आपसे कि वो जीरो ट्रेडिंग फी करेगा तो उसके पीछे भी कुछ बात होगी, वो समझना भी बात क्या आगे बताऊंगा। उसके बाद है डिसेंट्रलाइज अकाउंट्स। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि इनका जो सिस्टम है वो इस तरीके से इन लोगों ने क्रिएट किया है कि जो आपका अकाउंट है उस पर आपकी ओनरशिप होगी। उससे होगा क्या कि जो एसेट्स आपके हैं वो आपके कंट्रोल पे हैं, अगर कोई हैक करना भी चाहे डिजिटेक्स को तो बेसिकली वो कुछ हैक नहीं कर पाएगा, किसी के अकाउंट से ले नहीं पाएगा, अनटिल अनलेस 51% लोगों का अकाउंट वो हैक कर ले, इस तरीके से ही होता है उसमें, जहाँ तक मुझे पता है, बाकी क्या होगा वो देख लेना। तो डिसेंट्रलाइज अकाउंट होंगे, ठीक है ना, ओनरशिप होगी आपके आपके अकाउंट में, खतरा नहीं होगा आपको। यही तो होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर, क्या होता है यही तो होता है। यहीं पर मैं इसकी एक चीज़ देख रहा था, मैं बताता हूँ आपको, रुक जाओ। हाँ, ये लिखा था यहाँ पर को, ठीक है, जो बेसिकली सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं ना उसमें क्या होता है, एक तो ये होता है कि बीइंग स्टोलन बाय हैकर्स, अगर कोई हैकर हैक करना चाहे, सेंट्रलाइज की बात कर रहा हूँ, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में स्टोलन खतरा होता है कि हैकर्स वहाँ से एसेट्स को निकाल सकते हैं, और जब निकलेगा तो उसमें से सभी का निकलेगा, तुम्हारा मेरा सबका, कद्दू कटेगा सबका कटेगा। उसके बाद लिखा है फ्रोजन बाय अथॉरिटीज़, कभी हो सकता है अगर आपने किसी एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट किया हो, किसी भी कारण वजह से अगर वो बंद कर दें आपका अकाउंट, फिर क्या होगा? यही तो खतरा होता है। आप लोग कहते हैं यार आज तो बिटकॉइन उसमें पड़ा है एक्सचेंज के अंदर, कल के दिन मान लिया उन्हीं ने अगर कोई कर दिया ऊपर से, फिर क्या करोगे? तीसरा, हेल्ड बाय द एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है कि एक्सचेंज ने उन चीज़ों को रखा है अपने पास, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इन्हीं को कम करना चाह रहा है, अगर डिसेंट्रलाइज अकाउंट बनेंगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी ओनरशिप होगी और जो खतरे हैं उससे बाहर निकल जाओगे। तीसरी चीज़ है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। ये लोग बोल रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम्युनिटी होगी, यानी कि कोई चला रहा होगा उसे, इस तरीके से कुछ लिखा है, इन्हें देख लेना एक बार, पढ़ लेना इसके बारे में, ज़्यादा भी कमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। डिजिटेक्स इज अ कमीशन फ्री फ्यूचर एक्सचेंज विद इट्स ओन नेटिव क्रिप्टो करेंसी द डिजिटेक्स टोकन। यहाँ पर इन लोगों ने ये चीज़ लिखी है, और मेन चीज़ जो है वो ये है, इसको एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। Digitex covers the cost of running the exchange by creating a small number of new tokens each year instead of charging transaction fee on trades. अगर ये लोग तुमसे कोई कमीशन फी नहीं ले रहे हैं तो ये जो खर्चा होगा वो कैसे निकालेंगे? अपना खर्चा, अपनी टीम का खर्चा, जो ऑटोमेटिक बोट्स उनने लगा रखे हैं जो चीज़ों को फैच करके दिखा रहे हैं आपको,
उस चीज़ का खर्चा कैसे निकलेगा, वो खर्चे के लिए क्या हो रहा है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये हर साल कुछ टोकन्स को रिलीज करेंगे। अभी तो 70 करोड़ टोकन मार्केट में लॉन्च कर रखे हैं इनने। अब उसके बाद ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि आने वाले समय पे हर साल ये लोग अपने टोकन मार्केट में लॉन्च करेंगे, उनसे जो इनको अर्निंग आएगी उससे ये सारी चीज़ें चला रहे हैं। कमीशन फ्री कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमीशन फ्री उस तरीके से। कमीशन फ्री का मतलब यह है कि जो बंदे यहाँ जाएंगे उनके पास डिजिटेक्स टोकन होना चाहिए इस एक्सचेंज की फैसिलिटी को एक्सेस करने के लिए, और उन टोकन्स को ये परचेज करेंगे, उससे फंडिंग जाएगी डिजिटेक्स टीम के पास और फिर जाके वो चीज़ें आगे रन करेंगी। तो इनका रिवेन्यू मॉडल क्या है कि ये अपने टोकन को मार्केट में निकालेंगे हर साल और लोग उन्हें परचेज करेंगे टोकन्स को, तो उससे क्या होगा, इनको फंडिंग मिलेगी और ये आगे काम करेंगे। इस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं। बाकी इन लोगों ने बोला है कि यहाँ पर को एक चीज़ और लिखी है, कमीशन फ्री फ्यूचर मार्केट ऑन अ स्टेबल फास्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विल अट्रैक्ट लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रेडर्स हु मस्ट बाई डिजिटेक्स टोकन टू पार्टिसिपेट क्रिएटिंग इंक्रीज डिमांड ऑफ डिजिटेक्स टोकन दैट ऑफसेट्स द स्मॉल इन्फ्लेक्शनरी कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग न्यू टोकन्स। इसका मतलब क्या है कि जब इस मॉडल की वजह से जो ये लोग बोल रहे हैं कमीशन फ्री है उसकी वजह से ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा ट्रेडर आएंगे, जब वो आएंगे तो फिर डिजिटेक्स टोकन में पार्टिसिपेट करेंगे, उसे लेंगे, तो धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं कि उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी डिजिटेक्स टोकन की। और जब डिमांड बढ़ेगी तो आपको पता है पूरी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, सप्लाई कम होगी डिमांड ज़्यादा होगी प्राइस बढ़ेंगे, इस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं। बाकी इन्हें सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करी है क्या होता है क्या नहीं होता है, इस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। जो प्राइस है अभी वो है 0.01 डॉलर एक टोकन का प्राइस। 70 करोड़ मार्केट में लॉन्च कर रखे हैं, मार्केट में जो सप्लाई होगी 70 करोड़ की होगी आईसीओ के टाइम पे। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि 1 अरब टोकन टोटल बने हैं अभी फिलहाल एक साल के लिए या दो साल के लिए। 70% टोकन जो है मार्केट में रिलीज करे जाएंगे, 20% मार्केट मेकर्स जो इनके ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं उसको जो खर्चा आता होगा उसके लिए 20% रखा है इन लोगों ने, 10% इन लोगों ने अपनी टीम के लिए रखा है, इसके अलावा जो मार्केट की है सप्लाई 70% की है। बाकी ये सारी चीज़ें लिखी है। ये बंदा जो है इसका ओनर है, फाउंडर एंड CEO। इसका अगर तुम देखो लिंक्डइन में प्रोफाइल तो वहाँ पर आपको इसका प्रोफाइल मिल जाएगा। अभी क्या है समझने वाली बात वो समझना, अब इसका दूसरा पार्ट बताता हूँ आप लोग को। ये सारी चीज़ें तो हो गई कवर, तो मेरा कहना क्या है वो समझो कि ये जो चीज़ें बोल रहे हैं ना, एक तरीके से जो चीज़ें बोल रहे हैं वो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इनोवेटिव काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी नहीं है कुछ खास नया चीज़ लिया है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हों या कुछ ऐसी चीज़ करना चाह रहे हों जो मार्केट में इम्पैक्ट डाले जिससे लोग खिंच के इनके पास आए, कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ बोल रहे हैं कि कमीशन फ्री ट्रेडिंग होगी और जो फ्यूचर एक्सचेंज है बस, और कुछ नहीं है। फ्यूचर एक्सचेंज में कौन आएगा? फ्यूचर एक्सचेंज में वही बंदा आएगा जिसको मार्केट में गैम्बलिंग करनी होगी, प्राइस कितने ऊपर जाएंगे कितने नीचे जाएंगे, या फिर जिसको मार्केट की समझ होगी और वो अपने प्राइस को सिक्योर करना चाहता हो, अपने एसेट को सिक्योर करना चाहता हो मार्केट की समझ के हिसाब से कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। अगर वो उस फ्यूचर को देखते हुए अपने एसेट को, बिटकॉइन को अगर वो सिक्योर करना चाहता है जो आज प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में लॉक करना चाहता है आने वाले 3 महीने के लिए, तो उस चीज़ के लिए चीज़ें हैं। और वहाँ पर कौन जाएगा जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो नॉर्मल बंदा है आप मैं हम जैसे लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं फिलहाल, हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमको ये चाहिए कि मार्केट में गेन आए, हर दिन हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, घटा नफा नुकसान इस तरीके से कर रहे हैं काम, जो उस तरीके से करेंगे वो अलग टाइप के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी क्या है वो हटाओ उसको, मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि इसके ओनर की एक बार प्रोफाइल देख लो, क्योंकि एक बंदे ने एक आर्टिकल में लिखा था कि ये स्कैम है, उसके बारे में दिखाऊंगा मैं आप लोग को, तो उससे पहले इसकी प्रोफाइल देखनी समझनी पड़ेगी आप लोग को कि ये बंदा फ्यूचर ट्रेडर रह चुका है पहले। 1993 से 1997 तक इसने फ्यूचर ट्रेडिंग करी है, उसके बाद इसका मन भर गया और इस दुनिया में घूमने निकल लिया। 1997 से 2003 तक का ये घूमा है खूब, उसके बाद बिटफेयर ट्रेडर रहा है, मतलब भाई का ट्रेडिंग से मन नहीं हटा, ट्रेडिंग करता रहा। फाउंडर एंड CEO रेसिंग ट्रेडर्स .com लिमिटेड, इस वेबसाइट का मालिक बन गया। उसके बाद इसका मन भरा इससे और रियल इस्टेट में घुस गया, फिर ये गया क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर बन गया। उसके बाद इसने डिजिटेक्स फ्यूचर एक्सचेंज शुरू कर दिया। तो इसका अगर प्रोफाइल देखोगे तो ये इस बंदे को देख के ऐसा लगता है कि ये आया ही पैसा बनाने के लिए है,
यानी कि इसका पर्पज़ जो है मार्केट में वो पैसा बनाने का है। पहले ट्रेडिंग में पैसा बनाया, फिर घूमने निकल लिया, फिर ट्रेडिंग में घुसा, फिर वेबसाइट शुरू करी, उसके बाद रियल इस्टेट, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी। खुद भी पैसा कमाने का तरीका ढूंढ रहा है, मतलब ये बंदा जो है, इसका जो CEO है, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत अच्छा बंदा हो, मैंने देखा तो है नहीं उसे, ऐसे देख के बोल रहा हूँ उसकी प्रोफाइल को कि ये क्या करना चाह रहा है। बाकी ये बंदों की फ़ोटो लगा रखी है, अभी जेन्यून है फर्जी है असली है मुझे नहीं पता, एक बार देख लेना, क्या पता गूगल में मिल जाए आप लोग को इस तरह की फ़ोटो और दो चार। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखो इन लोग के ये बंदे हैं, बाकी सारा मैंने बता दिया। अब बात करते हैं एक आर्टिकल जो मैंने पढ़ा था, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ उससे पहले, कहीं पे ना एक चीज़ बहुत सही लिखी थी इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर लिखा था किसी बंदे ने कि द फ्यूचर द प्रॉब्लम विद बिटकॉइन फ्यूचर एक्सचेंज, क्या है आज के समय में बिटकॉइन फ्यूचर एक्सचेंज के साथ प्रॉब्लम, कि मेकिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कैन बी वेरी डिफिकल्ट। मतलब बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बहुत डिफिकल्ट है उसमें। इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से इस बंदे ने समझा रखा है कि इफ़ अ ट्रेडर बाइज वन बिटकॉइन एट $10,000, अब इसको समझते हैं रुपीज़, अगर कोई बंदा बाई कर रहा है बिटकॉइन को 10,000 रुपये में, उसके बाद उसका मन उसको ऐसा हुआ कि यार चलो ठीक है मैं बेचता हूँ इसको, अभी ज़्यादा रखना नहीं है, तो उसने क्या किया 10,001 रुपये में बेचना चाहता है वो, उसको जो उसने 10,000 रुपये में परचेज किया उसमें 1 रुपया बढ़ती में अगर वो बेचना चाहता है तो उस 1 रुपये का फ़ायदा लेने के लिए उसको 30 रुपये देने पड़ेंगे ट्रांजेक्शन फ़ी। ट्रांजेक्शन फ़ी नहीं, बेसिकली ट्रेडिंग फ़ी जो होती है वो देनी पड़ेगी। तो हुआ क्या कि 1 रुपये फ़ायदे के लिए उसको हुआ 29 रुपये का नुकसान। ये बोल रहे हैं कि अभी प्रॉब्लम इस तरीके से चल रही है, अगर कमीशन फ़ी नहीं होगी तो उस तरीके से फ़ायदा होगा, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये लोग बोल रहे हैं कि द सेकेंड प्रॉब्लम विद बिटकॉइन फ्यूचर एक्सचेंज इज ट्रेडर्स अकाउंट आर सेंट्रलाइज सो यू मस्ट ट्रस्ट द एक्सचेंज विद योर मनी। इसको ये बोल रहे हैं कि ट्रेडर का जो अकाउंट होता है वो सेंट्रलाइज होता है, अगर किसी अकाउंट में आप गए हो किसी एक्सचेंज के अंदर तो वहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हुआ, एसेट भी आपके अकाउंट के अंदर पड़े हैं, तो वो सारा का सारा एक्सचेंज के ऊपर है। कल के दिन अगर एक्सचेंज हैक होगा तो तुम्हारा पैसा भी हैक हो गया। कल के दिन अगर एक्सचेंज ने तुम्हें बाहर कर दिया उससे किसी भी कारण से, वो लोग बोलते हैं कि नहीं अभी तुम्हारा जो है तुम लोग नहीं कर रहे हो सही से काम, अब तुम्हारा अकाउंट बंद कर रहे हैं, फिर तुम जाके वहाँ अर्जी दो फर्जी दो, फर्जी वाला हो जाएगा आपके साथ, उस तरीके से भी दिक्कत है। बाकी दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि सारा का सारा सेंट्रल अथॉरिटी पे होकर हमेशा दिक्कत ही होती है, इसीलिए तो ये चीज़ें बननी है, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और क्या है, यही तो है, इनको हटाना चाह रहे हैं वो जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है उनको हटाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो डिजिटेक्स के अंदर वो चीज़ें हैं कि वो एक ढंग का काम कर सकती है, कर सकता है ये, इस तरीके जिस तरीके से वेबसाइट पे लिखा है। तो ये तो हो गया सिक्के का पहला पहलू, अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। यहाँ पर एक बंदे ने लिखा है कि वार्निंग, किसी बंदे ने लिखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदे जिसने भी लिखा है ना इसको थोड़ा बहुत तो पता है चीज़ों के बारे में। ये बोल रहा है कि डिजिटेक्स हैज़ अ बिजनेस प्लान डिजाइन टू मेक मेक देम रियल मनी वाइल प्रमोटिंग द आइडिया दैट ऑल यू नीड इन रिटर्न इज प्रॉमिस दैट देयर वर्थलेस टोकन आर वर्थ द रियल मनी दैट यू गेव देम। ये बंदा बोल रहा है कि इनका जो टोकन है जो बिल्कुल उसकी किसी कोई कीमत ही नहीं है जिसकी, ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं अपने बिजनेस प्लान से, ये बताना चाह रहे हैं आपको कि इनके जो वर्थलेस टोकन है उसको खरीदो ताकि ये लोग तुम्हारे पैसे को ले लें और उसके बाद अपनी मौज काटें और तुम्हारे को तो मिल गया शिट कॉइन। ये तो हुआ वर्थलेस टोकन शिट कॉइन इस टाइप के तो होते हैं, ऐसा ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद इन लोग इसने लिखा है कि सेंड देम रियल मनी। तीन पॉइंट इसने बोला है कि आप क्या कर रहे हो, जब भी इस ICO में पार्ट लोगे तो आप उनको क्या करोगे, अपनी मनी दोगे, आपने अपनी मनी से इथेरियम परचेज किया फिर इथेरियम को उस पर ट्रांसफ़र करोगे, तो आपने क्या किया अपना जो हार्डली अर्न कोई चीज़ तुमने कमाई थी उसको तुमने उनको दे दिया एंड देन रिसीव देयर वर्थलेस टोकन इन रिटर्न। उसके बाद आपको क्या मिला, उनका वो टोकन जिसकी कोई कीमत है ही नहीं, जो फर्जी वाले के लिए चीज़ आई है वो टोकन तुमको बदले में मिल गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि एन्जॉय योर टाइम शेयरिंग स्टेयरिंग एट योर कंप्यूटर स्क्रीन गेटिंग गूज बम्स एज योर वर्थलेस टोकन मैजिकली मल्टीप्लाई। ये सुन के मुझे हंसी आ गई, ठीक है। तो ये बंदे ने बात लिखी है कि उसके बाद तुम अपने सिस्टम को घूरते रहो, देखते रहो कि तुम्हारा जो टोकन है वो मल्टीप्लाई होगा। किसी दिन आज तुमने $0.01 का लिया है, होगा कल 60 रुपये का, फिर 100 रुपये का, फिर 500 का। देखो ऐसा ना मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट में फर्जी से फर्जी चीज़ें भी कभी कभी बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन देखो क्या लिखा है बंदे ने, इस तरीके से लिखा है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है ना, ये बंदा बोल रहा है कि यहाँ पर को कि 2018 का जो सबसे बड़ा स्कैम है
वो है बेसिकली डिजिटेक्स। ये पे कहीं पे लिखा है इस बंदे ने कि 2018 का सबसे बड़ा स्कैम है डिजिटेक्स। इसने लिखा, पता नहीं किसने लिखा है, किसी ने लिखा था इस तरीके से। और ये लोग बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, ये तुम्हें एक फालूदा दिखा के, ये जो सपना दिखा रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये बंदे जो हैं ये पता नहीं किस जगह पे रहते हैं, जो इनका एड्रेस नीचे है, ये जो एड्रेस इनने डाला है, ये बोल रहे हैं कि तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, यहाँ जाने का तो दूर, सोचना तो छोड़ो। ये लोग जिस तरीके से गायब होंगे अपने आईसीओ के बाद, वो तुम्हें पता नहीं चल पाएगा किस तरीके से ये लोग रफू चक्कर हो जाएंगे। इस तरीके से भी कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, तो ये लिखा है इसने कि दिस साउंड लाइक अ रियल रेसिपी फॉर डिजास्टर, डज नॉट इट? नो इडियट्स वुड फॉल फॉर दिस शिट, राइट? सो वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम राइटिंग दिस? इसके बाद इस बंदे ने राइट करना ही छोड़ दिया। ये बोल रहा है कि इस शिट कॉइन के लिए कोई बेवकूफ ही होगा जो इस कॉइन पे जाके इसको लेगा, और मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ इसके बारे में लिखने में, तो मैं भी नहीं लिखता हूँ। और यहाँ पर इसने लिखा है दैट ऑफ कोर्स इज विद एनी पोंजी स्कीम, दे ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ कीपिंग ऑल द रियल मनी यू सेंड देम फॉर देम सेल्फ एंड लीविंग यू स्टेयरिंग एट द वर्थलेस टोकन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ये लोग बोल रहे हैं कि एक गंदे से गंदी पोंजी स्कीम है, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि अपना जो रियल पैसा है उसको आप दे रहे हो उन लोगों को, बदले में वो तुमको एक टोकन दे रहे हैं, तुम देखते रहोगे वो टोकन अब बढ़ेगा तब बढ़ेगा और बढ़ेगा नहीं, वो सीधे घटेगा घटेगा और उसके बाद गायब हो जाएगा, ये लोग भग जाएंगे, सब चीज़ हो जाएगी, ऐसा इसने लिखा है। ठीक है ना, इसने एक वर्स्ट केस सिनेरियो लिखा है। और जो भी चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ हो अगर, तो उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो लोगों ने लिखा है आप कायदे में है क्या ना, मेरे हिसाब से समझने वाली चीज़ ये है कि अगर केवल वेबसाइट देखी जाए, केवल और केवल वेबसाइट अगर देखी जाए, तो ऐसा लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने दी है यहाँ पर को, वो इन्फॉर्मेशन बहुत लुभावनी लगती है कि इस तरीके से काम होगा, ट्रेडर्स को ये लोग अट्रैक्ट करेंगे, पर एक तरीके से केवल विज़न है। और विज़न जो मुझे देखा मैंने इनका, मुझे पर्सनली ऐसा कुछ लगा नहीं कि इतना कुछ खास है। हाँ, वो बात अलग है कि जिस तरीके से मार्केट चल रही है, जो क्रिप्टो मार्केट है वहाँ पर को घटी, तुम यकीन तो मानो, तुम यकीन मानो मेरे भाई, तुम कहोगे ना घटिया कॉइन, मैं तुम्हें लिस्ट दे दूंगा उस घटिया कॉइन की, जिसको चाहिए होगी 10 कॉइन में देख लूंगा जो सबसे घटिया होंगे, घटिया तो बहुत सारे हैं, पर उनमें से भी जो सबसे घटिया होंगे उनकी लिस्ट बना के 10 कॉइन की आपको दे दूंगा, और आप उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लेना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो घटिया कॉइन भी ऊपर बढ़ गए, इस तरह की मार्केट चल रही है। लोग, कई सारे लोग, मैं तो बता दे रहा हूँ चीज़ों के बारे में, समझना बात को, जैसे मैं तो बता रहा हूँ चीज़ों के बारे में, आप सुन रहे हो चीज़ों के बारे में, तो आप भी समझदार हो गए, मैं भी समझदार हो गया। लेकिन कई सारे लोग इस तरीके से थोड़ा चलते हैं, कई सारे लोग केवल चीज़ों के बारे में सुन के कि यार ये कॉइन भी लो, उसको भी लो, इसको भी लो, तुक्का मारो कौन सा कॉइन सस्ता है उसको लो, वहाँ पर कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, वो प्राइस जो घटिया कॉइन बढ़ रहे हैं ना, वो उन लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं जो चीज़ें जाके इन्वेस्ट कर दे रहे हैं उन कॉइन पे जिनमें कुछ है नहीं, इस तरीके चीज़ें हो रही। तो मैं कह रहा हूँ कि कई सारे कॉइन अगर ये भग भी जाएंगे ना डिजिटेक्स वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई गेन आएगा मार्केट में, मान लिया अगले समय पे चाहे इस कॉइन की कीमत कितनी भी हो जाए, उस गेन में फिर भी ये गेन पकड़ लेगा, क्योंकि तब भी लोगों को ये वेबसाइट दिखाई देगी डिजिटेक्स की, और तब भी वो लोग ये पढ़ेंगे जो आज हम पढ़ रहे हैं आईसीओ के टाइम पे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कि तब भी, आज से 1 साल बाद भी हो सकता है, अगर क्रिप्टो करेंसी चलती रहे तो कोई बंदा ढूंढेगा सबसे सस्ते कॉइन कौन से हैं, उसे मिलेगा डिजिटेक्स का कॉइन, और डिजिटेक्स कॉइन हुआ था शुरू $0.01 से, धीरे धीरे हो जाएगा $0.0001 का, और वो कहेगा सबसे सस्ता कॉइन है, जब उसको देखेगा वो कहेगा अरे वाह, ट्रेडिंग फी कुछ नहीं पड़ रही है, डिसेंट्रलाइज अकाउंट है, अरे वाह डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस है, तो वो बोलेगा सोने में सुहागा, तो वो कहेगा लो इसको। तो इस तरीके चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब मेरा क्या मानना है वो समझो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखो, जो इस बंदे का ओनर है ना, जो CEO और को फाउंडर है, कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है। हो सकता है कि इस बंदे के पास पैसा हो, उसके पास अच्छी टीम हो, ये काम को करके दे दे किसी पे, हम ऐसा थोड़ा कह सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडर रह चुका है, कुछ इंटरेस्ट है उसका इन चीज़ों में, ठीक है ना, बाकी ट्रैवलिंग वेवलिंग का शौक भी है, सट्टेबाजी का भी शौक है, रियल एस्टेट का भी शौक रखता है, बहुत सारे शौक है, कुल मिला के पैसा कमाने का शौक है बंदे का, वो पैसा कमाने का शौक उसको डिजिटेक्स को बनाने को उसने मजबूर कर दिया उसको। तो इस तरीके से इनने चीज़ें बना रखी हैं अपनी, सही तरीके से काम करते हैं, अगर यही एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में जो जाना चाहते हैं ना, उनकी भी तो देखनी पड़ेगी कितने लोग हैं वो लोग। कहने में तो बहुत आसान है, मैं भी कोई प्लान सोचूं अगर, मान लेते हैं, तो मैं भी कह सकता हूं कि यार ये प्लान है, इस तरीके से मैं काम करूं,
एक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ, फैक्ट वाली। कोई मुझसे पूछेगा ना इस वीडियो के बाद में कि भाई आपने बोल तो बहुत सारी चीज़ें दी, फिर आपने किस तरीके से कहा। पहले तुम्हें सारी चीज़ें बताई कि डिजिटेक्स क्या है, दूसरी बात बताई कि एक स्कैमर, एक बंदे ने क्या बोला उसके बारे में, तीसरी अब अपनी राय दे रहा हूँ वो सुन लेना। मैं ये बोल रहा हूँ कि चीज़ें दिखने में बहुत आसान होती हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में इससे पहले कुछ विजन सोचे थे, वो फर्जी विजन नहीं थे, बहुत अच्छे विजन थे। मैंने सोचा कि यार मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ इस तरीके से, अपने बंदे हायर करता हूँ इस तरीके से काम करता हूँ, लेकिन वो चीज़ें केवल कागज़ में अगर मैं लिखूँ उन चीज़ों को कि ऐसा होगा वैसा होगा तो वो बहुत आसान होता है, पर प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा वो एक तरीके से बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ ये होती है मार्केट से कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाना। तब लोग आते हैं जब चीज़ें सही होती है। बाइनेंस में कोई बंदा जाए, मान लिया अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बाइनेंस में जाओ, तो आप क्या करोगे? पहली बार के लिए मेरे कहने पर आप बाइनेंस में चले जाओगे, लेकिन जब आप देखोगे कि वहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं, आप जब वहाँ की ट्रेडिंग देखोगे, हर चीज़ देखोगे, और मान लिया आपका मन करता है कि यार क्या चीज़ है ये, कहाँ पर पता नहीं आ गए हम लोग, तो आप क्या करोगे? ज़्यादा कुछ काम करोगे नहीं, बाहर आ जाओगे और दूसरी जगह पे जाओगे। इन्फ्लुएंस एक ही हद तक किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो प्रैक्टिकल कस्टमर को अट्रैक्ट करने की चीज़ होती है वो होती है उस एप्लीकेशन के अंदर, जिस जगह पर हमने आपको भेजा है वो चीज़ आपको उस पर सस्टेन करके रखती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिजिटेक्स की वेबसाइट के अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी अवेलेबल है, अच्छी इन टर्म्स इस टर्म पे कि वो लोग ये बोल रहे हैं डिजिटेक्स टोकन का प्राइस बढ़ेगा, लोग ज़्यादा आएंगे। किस तरीके से आएंगे? क्योंकि वहाँ पर कमीशन नहीं पड़ रहा, इस तरीके से। लेकिन कुछ अलग नहीं है, समझो। अगर मुझसे पूछोगे क्या है तो मैं बोलता हूँ कि कुछ ऐसा नहीं है, कुछ खास कर रहे हूँ। खाली मेरा शौक मान लिया वेब डेवलपमेंट का है, मैं कल एक टोकन निकाल देता हूँ PHP कॉइन करके, मैं बोलूँगा कि जितने भी PHP के डिवेलपर्स हैं कॉइन का यूज करो आपस में, अगर तुमने एक दूसरे की हेल्प लेनी हो तो आपस में इस कॉइन का यूज करो, बदले में तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। तुम्हें किसी से लेनी हो दो टोकन देना, वो बंदा तुम्हें उसके बारे में सॉल्यूशन दे देगा। होता क्या है, देखो ध्यान से समझना, जिसने सुन लिया होगा खाली तुमको लग रहा होगा कि बोर कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ भाई, मैं इसकी बिल्कुल एक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ, मेरा कोई पर्पज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? सुन लेना, सुनना होगा तो, वरना मैंने पहले ही बोला है चले जाओ छोड़ के, कोई फ़ायदा नहीं है। समझो क्या है, चीज़ों को थोड़ा और क्लैरिफाई कर रहा हूँ। चीज़ें क्या हो रही है कि ऐसा होता है, मान लेते हैं हमारे क्या होता है ना कि जैसे मान लिया तुम किसी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ बंदे होते हैं जो स्टार्ट कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में अपना करियर, कुछ लोग बहुत साल से काम कर रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग में नए बंदे होते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। उनको क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कतें आने शुरू हो जाती है, कहीं पर कुछ बना रहे हैं डेटाबेस में, कुछ वैल्यू सेंड करी और वो गई नहीं, और उसके आंसर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली स्टैक ओवरफ्लो पे भी नहीं मिल पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो उस टाइप के सवाल होते ही नहीं है, और उनकी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जो अलग टाइप की होती है। तो वो बंदा बता पाएगा जिसने काम किया होगा, जब वो बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, तो वो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि उसी के सॉल्यूशन के लिए मान लिया मैंने एक टोकन निकाला PHP कॉइन नाम से, होगा क्या उसका विजन क्या होगा? देखो नया आइडिया आ गया तुम्हारे भाई के दिमाग में, कर दें क्या इस ICO को शुरू करूँ क्या? बता देना यार, राय लिखना अपनी, वोट डाल देना नीचे से अगर तुम्हें लगता है। तो मैं क्या करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक टोकन क्रिएट किया, डिसेंट्रलाइज टोकन, लिमिटेड सप्लाई कर दी मैंने, 1 करोड़ टोकन मार्केट में निकाल दिए। उसका यूज ये हुआ कि जो भी बंदा नया है वो उन टोकन को परचेज करे, जब भी उसे चाहिए होगी हेल्प, एक टोकन दे देना अपने सीनियर बंदे को, किसी भी बंदे को हो सकता है, तुमने एक टोकन के बदले में तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। तुमने पूछा ये क्या होता है, वो बंदा बता देगा अगर एक टोकन के लायक हेल्प होगी तो। बाकी अगर वो सोचता है कि मेरा टाइम लग रहा है 1 आवर 2 आवर, तो उसको 2 घंटे के हिसाब से टोकन और पे कर देना, 5 टोकन 10 टोकन, इंस्टीड ऑफ मनी यू आर गिविंग टोकन्स, ये तो हो रहा है। तो उस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, होती हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पर ये विजन ही है ना, अभी कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करेंगे वो अलग चीज़ें होती हैं, वो तब आएगा जब वो मॉडल वर्किंग मॉडल होगा, जब सही तरीके से चीज़ें बनेंगी। तो मुझे क्या लगा इनकी वेबसाइट को देखते हुए, कुछ खास इनोवेशन वाले काम नहीं है, एक सिंपल चीज़ है, उसमें ये लोग बोल रहे हैं किस तरीके से होगा, और प्रैक्टिकली किस तरीके से कर पाएंगे वो भी पता नहीं है। अभी फ़ायदा तो ये लोग पूरा अपना कमा लेंगे, पहली चीज़ तो अपना ICO से कमाएंगे, दूसरी चीज़ कि जब ये कह रहे हैं कि हर साल टोकन रिलीज करेंगे, तो ये अपने प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कमीशन फ्री कह के अपना पल्ला झाड़ दिया, मतलब वो कर दिया, आप लोग को लुभावनी चीज़ बता दी। साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि हर साल हम लोग टोकन रिलीज करेंगे, अभी कितने करेंगे वो नहीं पता, कैसे कमेंट कर दूँ उस चीज़ के ऊपर, लेकिन हर साल टोकन रिलीज जब करोगे आप लोग, तो भाई टोकन की वैल्यू कैसे बढ़ेगी,
70 करोड़ टोकन तुमने मार्केट में लॉन्च कर रखे हैं, फिर तुम ये सोचोगे कि 70 करोड़ टोकन की वैल्यू बढ़ेगी और उस वैल्यू पे आप कुछ और नए टोकन मार्केट में लॉन्च करोगे। मान लेते यही कॉइन अगर 50 रुपये का हो जाए तो फिर ये 50 रुपये में ही अपना नया टोकन मार्केट में भेजेंगे, तो ये बेसिकली उसको सप्लाई को कम कर ही नहीं रहे हैं। लिमिटेड अगर चीज़ हो तो उसमें ट्रस्ट आता है कि हाँ धीरे धीरे ये होगा। चलो मान लेते हैं जैसे इन लोगों ने बोला है कि ट्रेडर जो है उस बंदे को एक हेल्प है कि मतलब जो ट्रेडिंग करेंगे उनको टोकन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन सप्लाई अगर कम हो तो उस तरीके चीज़ें होती हैं। अगर सप्लाई तुम हर साल करते रहो करते रहो करते रहो, अपना तो तुम प्रॉफिट ले रहे हो, तुम्हें तो आगे की चिंता ही है ही नहीं कि आगे बंदों को क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो वो सारी चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं। तो मुझे बेसिकली ये सारी चीज़ें देखते हुए ऐसा लगा कि ये दो चीज़ें तो हो गई। उसके बाद तीसरी चीज़ किसी बंदे ने लिखी थी कहीं पर को कि इसमें क्या हो रहा है कि 30% का वो मिल रहा है, जो मुझे फ़ायदा लगा ना क्या लगा मैं सही बता रहा हूँ कि मैं इसको नंबर देता हूँ 10 में से 5 नंबर दूंगा मैं इस ICO को, ठीक है, क्योंकि मामला 50-50 है। मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटेक्स वाले करेंगे अगर सही से काम तो सही से कर देंगे, वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से अगर ये बोलते हैं तो हम किस पे ट्रस्ट करेंगे, उसी चीज़ पे तो ट्रस्ट करेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। अभी डिजिटेक्स की एक ही वेबसाइट है यार, 10 वेबसाइट तो है नहीं, उसी से देख के बताएंगे चीज़ों के बारे में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस हिसाब से तो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि 50-50% चांस है, कर गए तो कुछ कर देंगे आगे, क्योंकि स्कैम वाली चीज़ें भी आगे बढ़ जाती हैं। अगर कोई स्कैम हो भी तो डिजिटेक्स तो अच्छे विजन के साथ आया, अगर कोई स्कैम हो भी वो भी आगे बढ़ जाता है। तो मुझे क्या लगता है, लास्ट एक कंक्लूड कर रहा हूँ इस चीज़ को, कुछ लंबा हो गया, चीज़ें तो और भी बतानी थी बहुत सारी, लेकिन चलो छोड़ो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुझे जो लगता है वो एक तरीके से सही है कि यहाँ पर कोई पहली चीज़ तो ये है आपका कि टोकन का प्राइस सस्ता है, 270 करोड़ मार्केट में है फिलहाल के लिए। तीसरा विजन इन लोगों ने बताया वो बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट यह है कि आपको अगर इसको आप रेफ़र करते हो किसी दूसरे को, ठीक है ना, तो आपको 30% का वो मिलेगी, उसका फीस मिलेगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ आपसे कि आप जाओ इस जगह पे, तो 30% जो आपने लोगे वहाँ कॉइन उसका 30% मुझे मिलेगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर दूसरे ICO से कंपेयर करें तो मोस्टली मैंने जो ICO देखे उसमें 5% मिलता है। अगर कभी भी आप ICO में जाओ रेफ़र करो किसी को तो उस जगह पे 5% तक का मिलता है शायद रेफरल का, अलग अलग होते हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन जहाँ तक मैंने देखे। पर ये लोग बोल रहे हैं कि दे कैन बी सक्सेसफुल इनफ एट स्पेक्यूलेटिंग ऑन द प्राइस ऑफ बिटकॉइन अगेंस्ट द US डॉलर दैट दे कैन पे अ 30% रेफरल फी टू द शेडी पिम्स हु आर विलिंग टू प्रमोट दिस स्कैम टू गैम्बलिंग एडिक्ट्स प्लस द यूजुअल गुलीबल एंड ऑफ ग्रीडी पीपल। तो ये लोग बोल रहे हैं कि 30% का रेफरल मिलेगा आप लोगों को, ये इनकी वेबसाइट पे भी है कहीं पर को, रेफर एंड अर्न करके है कुछ शायद यहाँ पर, हाँ तो ये लिखा है इन लोगों ने यहाँ पर को इनकी वेबसाइट पे कि फॉर एवरी फ्रेंड यू रेफर वी विल पे यू 30% ऑफ व्हाट दे स्पेंड इन द डिजीटीएक्स टोकन सेल विच स्टार्ट्स January 15th। ठीक है, तो जो बंदा जैसे मैंने आपको भेजा, अगर आप यहाँ पर को 1000 रुपये का चीज़ लोगे तो मुझे 300 रुपये मिल जाएंगे, 300 रुपये के इथेरियम मिलेगा ETH। तो वही इन लोगों ने लिखा है यहाँ पर 30% रेफरल पेमेंट मिलेगी, बाकी इसका जो अभी चल रहा है ना उस हिसाब से कुछ वो सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एक तरीके से ये कॉइन अगर मैं देखूँ तो इस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो कि आप किसी को बताओ उसके बारे में, डिजिटेक्स के बारे में, 30% का रेफरल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, पेमेंट आपकी इथेरियम में आपको मिल जाएगी। और अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बता दी जो मुझे लगता है, देखो ऐसा है कि वेबसाइट को देख के तो मैंने बता ही दिया आपको सारी चीज़ें, बाकी उसके अब जो प्रॉस हैं वो कौन से हैं वो भी बता दिए हैं, स्कैमर्स क्या बोलते हैं वो भी बता दिया है, बाकी ट्रस्ट मतलब किसी वेबसाइट में मैंने देखा था तो इसको ट्रस्ट स्कोर मिला है, ऐसा नहीं कि ये फ्रॉड चीज़ है, वो तो कोई बंदा आपने उससे क्या पता उसके ओनर से खुंदस खाता हो इसलिए बोल रहा हो, कुछ हो सकता है लोचा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल जिस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि डिजिटेक्स टोकन को आपने करना चाहिए तो उसमें आप इसका ना थोड़ा सा प्रमोशन कर सकते हो, बदले में आपको 30% का रेफरल पेमेंट मिलेगा इथेरियम में, जो कि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है एक तरीके से। अगर कोई बंदा 10,000 रुपये का टोकन लेगा तो उसको 3,000 रुपये मिल जाएंगे, 3,000 रुपये का इथेरियम मिल जाएगा, जो कि एक बैड डील नहीं है। तो
तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी टोकन का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो केवल और केवल उनके एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कुछ होता है, कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं तो आएंगी चीज़ें, वरना कहाँ से लोग डिजीटीएक्स टोकन करेंगे? जब ट्रेडर ही नहीं होंगे तो सब कैसे डिमांड बढ़ेगी? वो सोचने लायक विषय है एक तरीके से। अगर एक्सचेंज सब लोग के लिए बना होता, हम तुम सब के लिए, तो हम सोचते। अब फ्यूचर ट्रेडिंग कौन करेगा वो भी देखो ना, जो बंदे जाएंगे फ्यूचर ट्रेडिंग में वो भी तो कम ही लोग होंगे, बाकी सब तो हैप्पी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो, अब आप क्या कर रहे हो कायदे में कि जब आप जाओगे तो आपने डिजीटीएक्स टोकन परचेज किया। कैसे परचेज किया समझो, उसकी चेन क्या है वो समझो कि डिजीटीएक्स टोकन परचेज किया, बदले में आपने इथीरियम उनको दिया। इथीरियम कहाँ से मिलेगा? किसी दूसरे एक्सचेंज से मिलेगा। तो जिस एक्सचेंज से इथीरियम लिया है उसी एक्सचेंज से दूसरे कॉइन भी ले लो। बात तो इतनी सी है, जिस एक्सचेंज से तुमने इथीरियम लिया है वहाँ से दूसरे वो भी ले लो, है ना। अगर आप ये सोच रहे हो, कई सारे सोचते होंगे ना कि हम जाएंगे वहाँ पर हमें कोई कमीशन नहीं पड़ेगा इस तरीके से, तो वो चीज़ें थोड़ा देखने लायक हैं जहाँ तक मैं समझाऊँ। इसीलिए मैंने ट्रस्ट जो मैंने दिया है इसको 10 में से 5 नंबर दिए हैं डिजिटेक्स को। बाकी 30% के लिए आप कर सकते हो चीज़ को, और अगर कोई करना चाहे तो देखो इतना सब बता दिया है मैंने। अगर तुम में से फिर भी कोई इच्छुक है जाने का विलिंगली, तो एक बार वेबसाइट और पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना, अच्छी चीज़ें हैं डिजिटेक्स के अंदर, वो सारी चीज़ें देख लेना। और नीचे मैंने लिंक दिया हुआ डिजिटेक्स का, अगर जाना चाहते हो, मैंने ट्रांसपेरेंट तरीके से सब बता दिया आप लोग को, तो आप जा सकते हो, ताकि 30% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा मुझे भी मिल जाए। क्योंकि पैसे तो देखो तुम्हारे उतने ही जाने हैं, ध्यान से समझना। अगर तुम डिजिटेक्स टोकन लोगे 10,000 रुपये का, तो टोकन सेल के टाइम में जो प्राइस है उसमें कोई घटती बढ़ती नहीं होती है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। तुमने अगर 10,000 रुपये का टोकन लिया तो लिंक के थ्रू जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, जा सकते हो, ठीक है ना। उसमें क्या होगा कि तुम्हें तो सेम प्राइस पे मिलेगा, जो यहाँ मिल जो वहाँ से मिलेगा वही यहाँ से ही मिलेगा। तो उससे बढ़िया कि तुम अगर यहाँ से चले जाओगे तुम्हारे भाई का भी कुछ मिल जाएगा, अगर तुम खरीदोगे तो टोकन को 30% हमें मिल जाएगा। क्या पता कुछ क्वालिटी वाली वीडियोज आ जाएँ। कुछ बंदे कह रहे थे कैमरे के लिए कि भाई ढंग का कैमरा ले लो, कुछ तुम्हारी फ़ोटो क्लियर आएगी इस तरीके से। तो तुम्हारे को सोचना है, थोड़ी सी हंसी आ गई एक मिनट ना, तुम्हें अगर सोचना है तो तुम ऐसे कर सकते हो काम को, ठीक है। तो ये था भाई इस वीडियो में, इसको जाना होगा नीचे मैंने लिंक दिया है, तो आप जा सकते हो उस लिंक के थ्रू अगर जाना चाहते हो तो। बाकी वेबसाइट देख लेना, पढ़ लेना चीज़ों के बारे में, उसके बाद जो आपको कम लगता है वो कर लेना। ये था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।